यू आर हार्टली वेलकम ऑन द चैनल एक बार फिर से रिव्यू। मैं हूँ रहमत दिल्ली से, और दिल्ली में पड़ रही है बहुत ज़्यादा गर्मी। नॉर्थ इंडिया तप रहा है धूप से, 42 डिग्री सेल्सियस सैटरडे के दिन मतलब यहाँ का टेम्परेचर था, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। आज संडे, आज भी बहुत ज़्यादा गर्मी थी एकदम, और लोगों को लू लग रहा है, हीट स्ट्रोक मतलब उनको लग ही जा रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। जो लोग बाहर जाते हैं, दिन भर बाहर में काम करते, बच्चे आजकल स्कूल जा रहे, स्कूल खुल चुका है और धूप में उनकी छुट्टी लगभग 1:30 बजे 2 बजे हम लोग बाहर निकल रहे हैं 2 बजे बच्चों को लाने के लिए, और छोटे बच्चे भी स्कूल जाना शुरू कर चुके हैं। तो उन सबको धूप से बचाने के लिए, हीट स्ट्रोक से बचाने के लिए, बड़े लोग भी जो धूप में काम करते हैं, बाहर आना जाना रहता है, उनके लिए ये मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाली। यहाँ पे मैं खोज लूँ वो मेडिसिन क्या है, उसका नाम भी मैं बताऊँगी, दिखाऊँगी भी कैसे खाना, ये भी बता रही हूँ। तो गर्मी है भाई, बहुत ज़्यादा गर्मी है, फ्रूट्स का इंटेक बहुत ज़्यादा रखिए और पानी बहुत सारा पीजिए। अगर अभी तो रोज़ा चल रहा है, रोज़े में हम लोग पानी और खाने का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते, शाम में ही खाना होता है। तो मैं आपको एक राय दूंगी कि सहरी के टाइम ये दवा ले लें सुबह में, और बच्चे स्कूल जिस वक्त जा रहे हैं उस टाइम उनको 2 बूंद ये मेडिसिन उनके मुँह में डाल दें, और आप लोग सहरी के टाइम खाएं। अगर रोज़ा नहीं है, रोज़े के बाद ये मेडिसिन ले रहे हैं, तो आप जिस टाइम घर से बाहर निकलने वाले उस टाइम ये मेडिसिन खा लो आधे घंटे पहले, और बाहर आप आराम से निकल सकते हैं धूप में। साथ साथ अगर आपको लू लग गया है तो भी आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल करिए, लू लगने के बाद भी, लू लगने से पहले भी ये मेडिसिन एज ए प्रिवेंटिव मेजर भी ले सकते हैं, और लू लगने के बाद भी ये मेडिसिन आप आराम से ले सकते हैं। इसका नाम आप देख लीजिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, GLONOINM ग्लू 9 या ग्लूनोनियम करके इसको, इसका प्रोनाउंसिएशन अगर मैं सही कर रहे हैं तो, ऐसे मैंने ग्लू 9 ही कहते हुए लोगों को सुना है। यहाँ पर लिखा हुआ है ग्लूनोनियम 30 CH का इसका पोटेंसी है, बच्चे को दे सकते हैं, बड़े भी इस पोटेंसी का खा सकते हैं। बच्चे को 2 बूंद सुबह में स्कूल जाने से पहले दे दें, या धूप में जिस वक्त ले जा रहे उस टाइम दे दें। अगर आप रोज़ा रख रहे तो सुबह सहरी के टाइम खा लें, रोज़ा नहीं रख रहे तो जिस टाइम आपको घर से बाहर निकलना आधा घंटा पहले खा लें। लू लग गया है तब भी आप इस मेडिसिन को आराम से ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी आपको। खूब सारा फल खाइए, खूब सारा पानी पीजिए, और इस दवा को भी लीजिए, आपको हीट स्ट्रोक लू लगने से एकदम बहुत आराम से बचाएगी। और मैं इसका रेगुलर इस्तेमाल रखती हूँ गर्मियों में, तो मुझे ऐसा लगा आप लोगों से भी शेयर करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग धूप में काम करते हैं, धूप में आना जाना होता है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, तो ये मेडिसिन बच्चे बड़े बूढ़े सबको आप दे सकते हैं, 2 बूंद दे दीजिए। अगर आपको लू लग चुका है ना, तो आप इसको दिन भर में 3 से 4 बार हर 2 घंटे के अंतराल पे दे सकते हैं, 2 घंटे हर 2 घंटे का मतलब टाइम लेकर इस मेडिसिन को 2-2 बूंद 3 से 4 बार लू लगने के बाद आप दे सकते हैं, अगर लू लग गया है तो। अगर लू नहीं लगा है तो सुबह में एक टाइम इसे खा के घर से निकल जाए, लू नहीं लगेगा। तो वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो ज़रूर इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो चैनल पर आती रहती है। टिल देन, बाय बाय।